केवल भगवान का नाम और नाम और नाम ही मंत्र में रहता है तो उस मंत्र को महामंत्र कहा जाता है। तो ऐसे वेद में कितने महामंत्र हैं? एक ही महामंत्र है और वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो देखिए हरे कृष्णा क्या हुआ? हरे क्या है? नाम है। कृष्णा नाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। इति षोडश का नाम नाम, ये जो 16 नाम, षोडश का मतलब क्या है? 16। ये 16 नाम कलि कलमश नासनम, कलिजुग का जो कलमश, कलमश का मतलब क्या होता है? गंदगी, कलमश। हाँ, कलमश का मतलब क्या है? गंदगी। ये कलिजुग का जो गंदगी, कलिजुग का जो पाप है, कलिजुग का जो कलुष है, उसको नाश करने वाला है ये 16 नाम। इसके अलावा कलिजुग में आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने का और कोई भी संभावना नहीं है। इस कारण बताया गया है हरे नाम हरेर्नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि नाम हरि नाम ही केवल कलिजुग के लिए आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने का एक ही मात्र तरीका है। हरेर्नाम हरेर्नामैव एव मतलब और केवलम, तीन बार बताया गया हरि नाम ही। अगर आप सो कोई सोचते हैं कि हरि नाम के अलावा और कुछ हो सकता है तो ये गलत है। ये हरि नाम ही, फिर अगर सोचेंगे कि और धर्म में हमारे आगे बढ़ने के लिए कुछ पंथा होगा तो नहीं, वो इनकार करने के लिए तीन बार बताया गया हरेर्नामैव केवल कलो। उसके पश्चात देखिए कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व, नहीं है नहीं है नहीं। जब तीन बार बोला जाता है तो क्या उसका मतलब क्या होता है? एकदम पूर्ण सत्य है, तीसरी कसम है ना। तो ये तीन बार बोलने का मतलब होता है बस ये एकदम बिल्कुल सही है। ये कलिजुग के लिए ये हरि नाम ही केवल एकमात्र गति, इसके अलावा और कोई गति नहीं है। नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिर अन्यथा।